हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल। इस वीडियो में हम स्टूडेंट करेंगे क्वेश्चन 5/6 प्लस 7/36। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने ऐड करना है, मीन्स टू फ्रैक्शंस को हमने ऐड अप करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा टेक्निकल मैथ वीबीएन चैनल को। और स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 5/6 प्लस 7/36। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमें इनका एलसीएम लेना होता है जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स होते हैं 6/36 इसमें है। तो एलसीएम लेने से पहले आपने ये चेक करना है कि जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे 36 है और यहाँ पे स्मॉलर जो डिनोमिनेटर्स है वो 6 है। तो ये देखें कि क्या 6/36 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो हमारा एलसीएम 36 होगा। अगर हमारे पास 6 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता 36 पे तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसे तो इसमें 6/36 से डिवाइड होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा दूं कि ये कैसे 36 ही हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, 2 पे करते हैं, 2, 3, 6, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 6, 6, 2, 12, and 12, 3, 36। तो हमारा एलसीएम क्या बना स्टूडेंट, 36। क्लियर? नाउ 5/6, हमने यहाँ पे 36 बनाना है नीचे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो देखें जी, 5/6 प्लस 7/36, क्योंकि हमारे पास इसको हमने 36 बनाना था, इस वाले को यहाँ पे। तो ये देखिए 36 बन गया, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो हमें सिंपल सा ये करना पड़ेगा, 36 यहाँ पे आ जाएगा, 30 को प्लस यहाँ पे लिख देंगे 7। जब सेम डिनोमिनेटर्स होंगे तो हमने क्या करना है, वही नीचे लिख के डिनोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यूज को सम अप करना है। ये आ जाएगा 37/36। ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा फ्रैक्शन में। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 37 को हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, 36 के टेबल में हमने पढ़ना है। 36 यहाँ 1 बचेगा, तो हमारे पास एलसीएम फर्दर, हम इसको अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमारे पास आ जाएगा 1/36। इस तरह से ये हमारे पास एलसीएम आएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान मेथड है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरी इस वीडियो को नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए, मैंने और भी अपलोड की हुई हैं, और अगर आपको समझ नहीं आई वीडियो की तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू।